पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, गुरु जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल उपाय बताया है। पूर्णमासी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आपकी मनोकामना किसी भी प्रकार की हो, आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, आपके व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, आपकी पढ़ाई से संबंधित मनोकामना हो, आपकी किसी बीमारी से संबंधित मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। पर यह उपाय आपको करना पूर्णमासी के दिन ही है। उपाय करने के लिए आपको मात्र तीन चीजें लेनी है। एक चावल का दाना लेना है, चावल का दाना आपको संपूर्ण लेना है। दूसरा, आपको बेलपत्री का एक पत्ता लेना है, बेलपत्री का पत्ता भी आपको संपूर्ण लेना है। तीसरा, आपको एक लोटा जल लेना है। तीनों चीज लेकर आप महादेव के मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको चावल का एक दाना समर्पित करना है। चावल का दाना समर्पित करके उसके ऊपर आपको बेलपत्री का एक पत्ता समर्पित करना है। बेलपत्री का पत्ता समर्पित करते समय बेलपत्री के पत्ते की जो डंडी है उसका मुख आपको अपनी दिशा में रखना है। जिस भी दिशा में आप बैठे हैं उसी दिशा में आपको बेलपत्री के पत्ते की जो डंडी है उसका मुख आपको रखना है। साथ में चंद्रमौली भगवान का स्मरण आपको करना है। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए चावल का एक दाना और बेलपत्री का पत्ता समर्पित करने के बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उसी जल से महादेव का अभिषेक करना है। ये छोटा सा उपाय अगर आप पूर्णमासी के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। वैसे तो ये उपाय आप पूर्णमासी के दिन कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप ये उपाय प्रदोष काल में करते हैं तो यह उपाय और भी ज़्यादा फल देने वाला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।